आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे लोग जो है वीडियोस को देखते हैं और चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अंततः आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि लगातार वीडियोज़ जो है वैकेंसी संबंधित या अन्य एजुकेशन से संबंधित वीडियोज़ डालते हैं तो वो मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन स्पेशली तौर पर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा क्या कि बीएस की एमएससी एमएलटी करके या एमएससी एमएलटी का कोर्स करके क्या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या वाकई में ही एमएससी एमएलटी के आधार पर या एमएससी एमएलटी पास करने के बाद और कुछ एक दो साल का अनुभव लेने के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। उस संबंध में आपको जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि साइंटिस्ट सी आप यहाँ देख रहे होंगे और साइंटिस्ट बी क्या लिखा हुआ, नॉन मेडिकल। हालांकि एक ही पोस्ट है, परंतु ये जानना बेहद आवश्यक है कि एमएससी एमएलटी करके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट बी एक एक करके हम समझते हैं कि साइंटिस्ट बी को पहले देखते हैं। नॉन मेडिकल एक पोस्ट, इसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट और सेकंड क्लास एमएससी विद पीएचडी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे जो एमएससी एमएलटी जिन्होंने किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं सिलेक्शन होने के बाद। उसी के अनुरूप जो है साइंटिस्ट सी का क्वालिफिकेशन देखिए, एमएससी या एमएससी एमएलटी इन माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पैरासिटोलॉजी आपके पास है और आपके पास 4 साल का अनुभव है रिसर्च का और टीचिंग का, तो आप लोग साइंटिस्ट सी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 67,000 प्लस आचार्य अर्थात 70,000 के सैलरी मिलेगी। 45 साल तक की आयु के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी कहाँ जारी की गई ये भी बता दूं मैं आपको कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स देवघर में स्टेट वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि अभी तक लोगों को संशय था कि क्या एमएससी एमएलटी का क्या स्कोप होगा, तो यहाँ पे एक स्कोप ये नज़र आ रहा है कि एमएससी एमएलटी करने के बाद आप साइंटिस्ट पोस्ट या तो साइंटिस्ट सी पोस्ट या साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव अच्छा है तो या नॉलेज है तो आप साइंटिस्ट सी या साइंटिस्ट बी बन सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में रांची रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची जो कि झारखंड में है, वहाँ पर भी जो है वीआरडीएल के अंतर्गत जो कि आईसीएमआर का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत साइंटिस्ट बी की पोस्ट पर जो है जिन लोगों ने एमएससी एमएलटी किया हुआ है उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी और आप इसका जरूर लाभ लेंगे, साथ ही अपने साथियों को भी बताएंगे कि एमएससी एमएलटी करके जो है आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट देखते रहना पड़ेगा और मेरे द्वारा जो है इस तरह की वीडियोस डलते रहते हैं, तो उसको जरूर आप देखें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।